Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा, तो इससे पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाया करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मतदान की आवश्यकताओं को यानी वोटिंग की जो आवश्यकताएं हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, जो नागरिक होते हैं उनके अधिकारों के बारे में उनको अवेयर करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो थीम रखी गई है नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड है, ये है थीम इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। ओके, तो 25 जनवरी को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब बात आती है कि ये 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 25 जनवरी को 1950 को, कब? 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसकी स्थापना हुई थी, यानी कि वो अस्तित्व में आया था। तो इसी वजह से 25 जनवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। अब भारतीय निर्वाचन आयोग आया है तो हम लोग कुछ पॉइंट लिंक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि भारतीय चुनाव आयोग हम लोग कह सकते हैं। तो चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 324 में। किसमें? संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है, पूछा गया है कई बार, इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है कि करंट टाइम पर भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा है भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO ने किस राज्य से लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSM का सफल परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के तट से, कहाँ से? उड़ीसा के तट से एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इसे लॉन्च किया है INS चेन्नई युद्धपोत ने। किसने? INS चेन्नई युद्धपोत ने इसे लॉन्च किया है उड़ीसा के तट से। DRDO द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर ये मिसाइल है, क्लियर है। तो अब आया है DRDO, तो हम लोग DRDO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करते हैं। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है सबसे पहले डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब? 1958 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किस नाम से दुनिया का सबसे हल्का और 3D प्रिंटेड सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में इसरो द्वारा एक सबसे हल्का दुनिया का और 3D प्रिंटेड सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है कलाम सेट। क्या नाम रखा गया है? कलाम सेट। जो हमारे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति और साइंटिस्ट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम रखा गया है कलाम सेट, ठीक है, कलाम सैटेलाइट। तो इसरो ने इसे लॉन्च किया है और ये बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे हल्का और 3D प्रिंटेड सैटेलाइट है। तो दुनिया का ये पहला 3D प्रिंटेड सैटेलाइट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये सबसे हल्का है तो इसका वज़न कितना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका वज़न है 1.2 किलोग्राम। कितना? 1.2 किलोग्राम का इसका वज़न बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसे हाई स्कूल के छात्रों ने बनाया है, वो भी 6 दिनों में। तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है और इसे लॉन्च किया है इसरो ने, ठीक है। तो इसमें खर्चा जो आया है वो बताया जा रहा है कि टोटल 12 लाख रुपये तक का खर्च आया है इसको बनाने में, क्लियर है। इसके साथ ही इसरो ने एक और सैटेलाइट लॉन्च किया है। अब वो कौन सी सैटेलाइट है? वो है PSLV C-44। तो इन दोनों सैटेलाइट को एक साथ इसरो ने लॉन्च किया है, क्लियर है। अब इसरो आया है तो हम लोग इसरो के बारे में भी रिवाइज करते हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी?
1969 यानी 1969 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं के सिवान। क्लियर है इतना? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इंडिगो के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इंडिगो आपको पता होगा एक कंपनी है और ये जो कंपनी है ये एयरलाइंस की कंपनी है, तो इसके नए CEO के रूप में किसे चुना गया है? रोनोजॉय दत्ता को, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। रोनोजॉय दत्ता को बनाया गया है इंडिगो एयरलाइंस का CEO। क्लियर है इतना? अब हम लोग बात करते हैं रोनोजॉय दत्ता के बारे में। सबसे पहले आप जान लीजिए इनको 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है CEO के रूप में। IIT से इन्होंने BTech किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और इसके साथ ही इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। तो ये होंगे इंडिगो एयरलाइंस के नए CEO। क्लियर है? रोनोजॉय दत्ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य बाघ संरक्षण बल का गठन किया? तो अभी हाल ही में राज्य बाघ संरक्षण बल का यानी कि STPF का गठन किया है अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने। STPF यानी कि स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। तो बाघों की आबादी को बचाने के लिए इसका किया गया है गठन। आपको पता होगा कि बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही है, तो तेलंगाना राज्य सरकार ने इसका गठन किया है राज्य बाघ संरक्षण बल का यानी कि स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का। ओके, अब आया है तेलंगाना, तो हम लोग तेलंगाना के बारे में भी जान लेते हैं। तो तेलंगाना जो है, सबसे पहले जान लीजिए कि इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी इसकी स्थापना और ये भारत का 29वां राज्य है, यानी कि सबसे लेटेस्ट राज्य यही है अभी तक। ठीक है, 29वां राज्य, आखिरी राज्य तेलंगाना ही है। तेलंगाना की राजधानी होती है हैदराबाद और तेलंगाना के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। मैप में आपको तेलंगाना दिख रहा है। तेलंगाना के करंट टाइम पर गवर्नर हैं ESL नरसिम्हन। और अगर हम लोग बात करें हैदराबाद हाईकोर्ट की, तो तेलंगाना हाईकोर्ट अभी अलग हुआ है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से। आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश में 25वां हाईकोर्ट नियुक्त किया गया है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को। तो तेलंगाना हाईकोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं उनका नाम है बी राधा कृष्णन। और जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की यानी कि भारत के 25वें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं वो हैं छागरी प्रवीण कुमार। इन दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मलेशिया का नया राजा किसे चुना गया? तो मलेशिया के नया राजा चुना गया है अभी हाल ही में सुल्तान अब्दुल्ला को। किसे? सुल्तान अब्दुल्ला को, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अभी आपको पता होगा कि इससे पहले के जो अभी राजा थे यहाँ पर मलेशिया के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनका क्या नाम था? सुल्तान मोहम्मद फाइव। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद फाइव नाम था, उन्होंने अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा दे दिया था। कुछ दिनों पहले की ही बात है, अभी मैंने उसको बताया था उसके बारे में भी आपको। तो अब मलेशिया के नए राजा बनाए गए हैं सुल्तान अब्दुल्ला। कौन? सुल्तान अब्दुल्ला होंगे मलेशिया के नए राजा और इनको नियुक्त किया गया है 5 वर्षों के लिए। ये अगले अपने कार्यकाल के लिए होंगे, 5 वर्षों का कार्यकाल होता है वहाँ के राजा का, तो ये 5 वर्षों के लिए चुने गए हैं। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं सुल्तान अब्दुल्ला, और ये वर्तमान में एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। इसको भी आपको याद रखना है। कौन है? एशियाई हॉकी महासंघ के ये करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये 31 जनवरी से अपना पदभार संभाल लेंगे। अब आया है मलेशिया, तो हम लोग मलेशिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो मलेशिया की राजधानी होती है क्वालालंपुर। क्या होती है? क्वालालंपुर होती है मलेशिया की राजधानी। और मलेशिया की मुद्रा होती है मलेशियाई रिंगित। क्या होती है? रिंगित होती है यहाँ की मुद्रा। और यहाँ के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है महाथिर मोहम्मद। कौन है? महाथिर मोहम्मद है यहाँ के प्रधानमंत्री। और सुल्ताना अब्दुल्ला को बना दिया गया है मलेशिया का नया राजा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कृष्णा सोबती का निधन हो गया, इन्हें किस भाषा में ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है? तो कृष्णा सोबती जो कि एक प्रसिद्ध लेखिका थी, इन्हें हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, हिंदी भाषा का इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा चुका है। इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही थी कृष्णा सोबती, और ये 93 वर्ष की हो चुकी थी। नई दिल्ली में इनका निधन हो गया है। ठीक है, इनको पद्म भूषण भी दिया गया था लेकिन इन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था, उसे वापस कर दिया था, लेने से मना कर दिया था पद्म भूषण को। और मैंने आपको कल बताया था कि भारत के 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पर आता है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर यानी कि चौथा सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान होता है पद्मश्री। क्लियर है? तो इन 4 के नाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो कृष्णा सोबती जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, उन्हें हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा कब की?
तो अभी हाल ही में सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की है उनके जन्म दिवस पर, उनकी जयंती पर 23 जनवरी को, ठीक है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था लगभग अक्टूबर या नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अवार्ड को दिए जाने की घोषणा की थी कि ये अवार्ड दिए जाएंगे इनकी जयंती पर, तो जयंती 23 जनवरी को होती है इनकी, सुभाष चंद्र बोस जी की। तो ये अवार्ड मिला है इस बार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 8वीं बटालियन को जो कि गाजियाबाद में स्थित है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 8वीं बटालियन को इस बार मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो कि गाजियाबाद में स्थित है, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर ये दिया जाता है 23 जनवरी को, इसको भी आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या दिया जाता है, इसमें इस अवार्ड में 51 लाख रुपए दिए जाते हैं और प्लस एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गिरीश पंत को, सुरेंद्र सिंह कंधारी को, डॉक्टर जुलेखा दाऊद को, यानी कि इन तीन लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब ये क्या है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, इसमें क्या होगा, इसमें ये सम्मान जो है सबसे पहले जान लीजिए देता कौन है, राष्ट्रपति जी इसको देते हैं। इसमें जो NRI होते हैं यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, और जो भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं यानी कि PIO, इन दोनों को याद रखिएगा, NRI का फुल फॉर्म नॉन रेजिडेंट इंडियन और PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, यानी भारतीय मूल का व्यक्ति। तो ये जो दोनों होते हैं इनको, इनके द्वारा संचालित अगर कोई संस्था होती है, ये कोई संस्थान चलाते हैं, तो उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये दिया जाता है अवार्ड प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, और ये अवार्ड देता कौन है, राष्ट्रपति भारत के, ठीक है। तो NRI हो गए जो मैंने बताया नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि जो विदेशी हैं और भारत में आकर रह रहे हैं, और PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं जो विदेशों में रह रहे हैं। आप लोग अक्सर सुनते होंगे ये भारतीय मूल के हैं, सत्या नडेला जैसे एग्जांपल ले लीजिए, सुंदर पिचाई ले लीजिए, ये लोग रहते विदेशों में हैं लेकिन हैं भारतीय मूल के, ठीक है, तो ये PIO कहे जाएंगे, और जो विदेशों से आकर इंडिया में रह रहे हैं वो NRI कहे जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों द्वारा, इन दोनों प्रकार के लोगों द्वारा अगर कोई संस्था चलाई जाती है, कोई संस्थान चलाया जाता है, तो उसमें उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए, उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मान दिया जाता है। तो उस सम्मान को देता कौन है, भारत का राष्ट्रपति देता है। तो ये इस बार तीन लोगों को दिया गया है, गिरीश पंत को, सुरेंद्र सिंह कंधारी को और डॉक्टर जुलेखा दाऊद को। तो ये तीनों हैं करंट टाइम पर संयुक्त अरब अमीरात में, कहाँ पर है, संयुक्त अरब अमीरात से इनको दिया गया है, क्लियर है इतना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आया है तो आपको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में तो बिल्कुल पता होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को, ठीक है, और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम जी की जयंती होती है 11 नवंबर को, और इनके सम्मान में मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो शांति और विकास के लिए, जो एजुकेशन के को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है, अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों में गंभीरता लाई जा सके, साक्षरता बढ़ाई जा सके, इसी वजह से मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। तो बस दोस्तों, आज के दिन के करंट अफेयर से क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो में क्या सुधार करना है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन के बारे में। तो लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, चीन की अर्थव्यवस्था पिछले लगभग 3 दशकों में सबसे धीमी दर से बढ़ी है, साल 1990 में चीन की अर्थव्यवस्था कितनी थी। तो साल 1990 में चीन की अर्थव्यवस्था थी 3.9% और अब है 6.6%, जो कि पिछले लगभग 3 दशकों में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है इस बार, ठीक है, चाइना की इकोनॉमी में। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर उड़ीसा के कालाहांडी में कुछ कलाकृतियों की खोज हुई है, ये मूर्तियाँ किसके समकालीन बताई जा रही हैं। तो ये मौर्यकालीन बताई जा रही हैं क्योंकि ये 2300 वर्षों पुरानी हैं। कितनी वर्ष, 2300 वर्ष पुरानी बताई जा रही हैं, तो उस टाइम मौर्यकाल चल रहा था, तो ये मौर्यकालीन होगी, क्लियर है। इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों ने गलत आंसर किया है, तो ध्यान रखिएगा मौर्यकालीन ये मूर्तियाँ बताई जा रही हैं, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में यानी कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश का है। इसको आपको बताना है,
नेक्स्ट है सबसे तेज 100 वनडे विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो, आप जो भी चीज़ें लिंक कर पाएँ, रिवाइज कर पाएँ, आप लोग जरूर लिखिएगा। तो बस दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी हमारे, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी हमसे जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाएगी। तो सारे पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आप लोग रिवीजन जरूर कर लिया करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।